हेलो दोस्तों, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार के तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है उसे देखेंगे। तो फटाफट से आप सभी इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। आज की पहली खबर में देखिए, पीएम उम्मीदवार की तरह नीतीश का ऐलान, 2024 में गैर भाजपा सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा विशेष दर्जा। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत करते नजर आ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि देश में गैर भाजपाई सरकार बनने पर सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। बिहार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लेकर अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला किया था। इसके बाद से ही वे लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में भाजपा को सत्तारूढ़ गठबंधन से बाहर करने के बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर सकते हैं। हालांकि वह खुद इस बात को खंडन कर चुके हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 18 जिलों में बारिश और बिजली का अलर्ट, तापमान में 3 से 4 डिग्री की होगी गिरावट, कई जिलों में छाए हैं बादल। जी हां, बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून पूरी तरह से एक्टिव है, इसीलिए अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, जिसका फायदा सीधे किसानों को मिल रहा है। आज मौसम विभाग ने बिहार के 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ ही वज्रपात का भी आशंका जताई है। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होते की जा सकती है। मौसम विभाग ने जिन 18 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीवर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल शामिल है। इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। घर से बेवजह बाहर न निकलने की भी सलाह दी गई है। बड़ी खबर में देखिए, प्रतिपक्ष में 6 दिनों में 70 करोड़ का कारोबार, अब तक 3 लाख पिंडदाने आ चुके हैं गया, इस बार 300 करोड़ रुपए के बिजनेस की उम्मीद। जहां गया में प्रतिपक्ष मेले का आयोजन किया जा रहा है, इस दौरान बीते 6 दिनों में करीब 3 लाख पिंडदाने गया पहुंच चुके हैं। ऐसे में यहां अब तक करीब 70 करोड़ का कारोबार हो चुका है। साथ ही अभी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो यह कारोबार 25 सितम्बर तक 300 करोड़ रुपए तक पहुँच सकता है। बड़ी खबर में देखिए, पटना जू को देश में मिला 4th स्थान, नेशनल जू कॉन्फ्रेंस में जारी की गई MED की रिपोर्ट। जहां पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से बड़े चिड़ियाघर की श्रेणी में देश में 4th रैंक दिया गया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में पटना जू को 74% स्कोर के साथ ही 4th रैंक दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बेगूसराय कांड में पप्पू यादव का ऐलान, बदमाशों को मार गिराने वालों को 5 लाख का देंगे इनाम। जी हां, बेगूसराय में तबाहतोड़ फायरिंग के 48 घंटे बाद भी पुलिस ये कह पाने की स्थिति में नहीं है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन उनकी घटना में संलिप्तता अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव कल बेगूसराय पहुंचे। पप्पू यादव ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को मार गिराने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये इनाम आम लोगों के लिए नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि बेगूसराय की फायरिंग ने देश भर में बिहार की छवि खराब की है, इसलिए पुलिस को फायरिंग करने वाले मुठभेड़ में मार गिराना चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी फायरिंग करने वालों को मार गिराएगा उसे मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी के ताज पेशी अभी नहीं, लालू यादव ही रहेंगे RJD सुप्रीमो, 10 अक्टूबर को अध्यक्ष का चुनाव। जी हां, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके नाम पर विधिवत मुहर लगेगी। पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 9 से 10 अक्टूबर को दिल्ली में होगा। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन 21 सितम्बर को होगा। पार्टी ने अभी इसके लिए नामों का चयन नहीं किया है। हालांकि इसके कई दावेदार है, इनमें भूदेव चौधरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी और श्याम रजक के नाम शामिल है। जगदानंद सिंह को फिर से कमान देने पर भी विचार किया जा रहा है।
बड़ी खबर में देखिए, सुशील मोदी ने मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ दायर की मनाह का मुकदमा, सजा के लिए की अपील। जी हाँ, बिहार में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज है। कुछ दिन पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर खनन एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने लोधीपुर में क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन को लेकर आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले में सुशील मोदी ने मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मनहानी का मुकदमा दायर कर दिया है। सांसद सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में मंत्री खनन एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 एवं 500 के अंतर्गत मनहानी का मुकदमा दायर किया है और कोर्ट से आग्रह किया कि मंत्री रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट निर्गत कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित कराकर ट्रायल प्रारंभ किया जाए और सजा दी जाए। बड़ी खबर, बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन में होगा और देर, चुनाव आचार संहिता की वजह से लगेगा समय, 22 अक्टूबर के पहले प्रक्रिया शुरू करना मुश्किल। जी हाँ, बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन का इंतजार और लंबा हो सकता है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब 22 अक्टूबर तक चुनाव आचार संहिता लागू है, इसी वजह से सातवें चरण के शिक्षक बहाली में और विलंब हो सकता है। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि शिक्षक नियोजन से जुड़ी तमाम कमियों को दूर किया जाए, इसके लिए मॉल तैयार की गई है। साथ ही इसे वित्त विभाग को भेज दिया गया है, वहां से फाइनल आने के बाद कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बिहार में 22 अक्टूबर तक चुनाव आचार संहिता लागू है। नगर निकाय महत्वपूर्ण नियोजन इकाई है और इसी का चुनाव होना है। हालांकि नई बहाली सेंट्रलाइज तरीके से ली जानी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों को तेजस्वी यादव ने दिया नया टास्क, 7 दिनों के अंदर करना होगा ये सब काम। जी हाँ, कुछ दिन पहले बिहार में स्वास्थ्य सुविधा की समीक्षा के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सारे सरकारी अस्पतालों को 60 दिनों के अंदर सुधार देने का ऐलान किया था। 60 दिनों के अल्टीमेटम को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव ने सूबे के सरकारी अस्पतालों को 7-7 दिन का टास्क देना शुरू किया है। सारे सरकारी अस्पतालों को 7 दिनों के अंदर उन काम को पूरा करना होगा। तेजस्वी यादव के निर्देश के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी सदर अस्पतालों को अगले 7 दिनों का टास्क सौंपा है। सभी जिला सदर अस्पतालों को 7 दिनों के अंदर वार्ड से लेकर ओपीडी को साफ सुथरा कर लेना है। इसके साथ ही उन्हें अपने शौचालय की मरम्मति और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था भी कर लेनी है। अस्पतालों से कचरा को हटाने का सिस्टम भी तैयार कर लेना है। बड़ी खबर में देखिए, पटना के इस पंडाल में दिखेगा रावण वध का दृश्य, माँ दुर्गा के साथ इन देवताओं का होगा दर्शन। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना स्थित कंकड़बाग कॉलोनी में भी दुर्गा पूजा का आयोजन कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन इनमें सबसे अलग और आकर्षक पंडाल हनुमान नगर में आवास बोर्ड चौराहे के पास बनाया जाता है। इस बार यहाँ पंडाल में भगवान राम और लंकापति रावण के बीच युद्ध का दृश्य दिखेगा। भगवान राम द्वारा अहंकारी रावण के वध करने का दृश्य देखने को मिलेगा। पंडाल की ऊंचाई लगभग 70 फुट और चौड़ाई 45 फुट की होगी। आपको बता दें कि पंडाल का निर्माण पटना आर्ट कॉलेज के छात्र विपिन कुमार की टीम कर रही है। वहीं पंडाल को अंतिम रूप देने के लिए कोलकाता से कुछ कलाकारों को बुलाया गया है। बड़ी खबर में देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन का आखिरी मौका, 16 से 19 सितंबर स्पॉट राउंड के लिए होगा आवेदन, 23 सितंबर तक ले सकेंगे एडमिशन। जी हाँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड के तहत छात्रों को एडमिशन लेने का मौका दे दिया गया है। वैसे छात्र जो अब तक रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म को नहीं भर पाए थे, अब वह इस स्पॉट राउंड की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि अब इसके लिए छात्रों को 16 से 19 सितंबर तक एक बार फिर से आवेदन करना होगा। इस स्पॉट राउंड एडमिशन के तहत छात्र कॉलेजों में ग्रेजुएशन सत्र 2022-25 के रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। छात्र अपना ऑफर लेटर वेबसाइट से डाउनलोड कर 19 सितंबर तक स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए कॉलेज में जाकर ऑफर लेटर को जमा कर सकते हैं। वहीं 20 सितंबर को कॉलेज के द्वारा स्पॉट राउंड में एडमिशन के विषयवार रिक्त स्थानों के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। 23 सितंबर तक एडमिशन और वैलिडेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लेनी होगी। खबर में देखिए, बिहार में क्लर्क सहित कई पदों पर निकली है वैकेंसी, 20 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। जी हां, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद रोजगार का मौका युवाओं को मिलता दिख रहा है। कई विभाग की तरफ से वैकेंसी नहीं है, अब कोर्ट ने भी युवाओं के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है। राज्य के जिला न्यायालय में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और अर्दली के 7692 पदों के लिए सूचना प्रकाशित हो गई है। इन पदों के लिए 20 सितंबर से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिविल कोर्ट में इन पदों के लिए आवेदन 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। आवेदन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश पटना जिला न्यायालय की वेबसाइट www.districtecourt.government.in पटना पर 2 से 3 दिनों में अपलोड कर दिए जाने की उम्मीद है।
खबर में देखिए, बिहार में 54,000 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक किए जाएंगे नियुक्त। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में जल्द ही प्लस टू विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों, कंप्यूटर शिक्षक एवं विद्यालय सहायकों के कुल 54,703 पद सृजन करने की तैयारी की जा रही है। इन पदों को जल्द कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इन पदों पर नियोजन की कवायद शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भी गाड़ियों में पीछे बैठने वालों को लगाना होगा सीट बेल्ट। नई पुरानी सभी गाड़ियों पर लागू होगा नियम। जी हां, चार पहिया वाहन में ड्राइवर के बगल में आगे बैठने वालों की तर्ज पर ही पीछे की सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने बिहार में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। विभागों को केंद्र सरकार की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन का इंतजार है, फिर इसे नई व पुरानी सभी तरह की गाड़ियों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार बीते दिनों विभाग में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस पर मंथन हुआ है। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि नई गाड़ियों में पीछे की सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था, लेकिन पुरानी गाड़ियों में वह व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अधिकारियों ने कहा कि पुरानी गाड़ियों में यह करना संभव नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो संबंधित गाड़ियों की एजेंसी के माध्यम से सीट बेल्ट लगाया जाएगा। खबर में देखिए, पटना में दिखे गए इंडोनेशिया का प्रवानन मंदिर यानी डाक बंगला चौराहे के पंडाल की खासियत। जी हाँ, पटना में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। शहर की सभी पूजा समिति एवं क्लब अपने पूजा पंडाल को खूबसूरत और आकर्षक बनाने में लग गए हैं। इसी क्रम में पटना के डाक बंगला चौराहे पर बनने वाला पूजा पंडाल इस बार इंडोनेशिया के प्रवानन मंदिर के तर्ज पर बनेगा। इसका निर्माण शुरू हो गया है। पंडाल के निर्माण का काम पश्चिम बंगाल के भोनिया डेकोरेटर्स को दिया गया है और इसका डिजाइन कोलकाता आर्ट कॉलेज के कलाकार रितेश चटर्जी ने बनाया है। पंडाल की ऊंचाई लगभग 90 फुट व चौड़ाई 55 फुट होगी। पूजा के दौरान इस भव्य पंडाल की खूबसूरती काफी मनमोहक होगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।